हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी यूट्यूब चैनल ऑसम हाउस प्लान्स डॉट कॉम पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको एक सिंपल सा प्लान दिखाना चाहेंगे। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। 47x50 में बना हुआ एक सिंपल सा खूबसूरत सा प्लान अलॉन्ग विथ इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आज हम देना चाहेंगे। देखिएगा वीडियो को और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मे बी इस वीडियो से, एंड आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना लोगों को आप शेयर कर दिए तो क्या है, आने वाले समय में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड इससे और इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना कॉस्ट हो सकता है ये कंस्ट्रक्ट करने में, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा आपको। एंड चलिए देखते हैं, इस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसका मेन एंट्रेंस यहाँ पर दिया गया 6 फीट बाय 12 फीट। हाँ रे, तो मेन एंट्रेंस यहाँ पे दिया गया 6 फीट इंटू 12 फीट 5 इंच, और अंदर जो हॉल दिया गया है 18 फीट बाय 12 फीट 5 इंच का, एंड यहाँ पर एक विंडो है। ओके, विंडो का साइज़ 4 फीट बाय 5 फीट का एक विंडो। फिर देखिए यहाँ पर एंटर करें, फिर नेक्स्ट इधर एक बेडरूम दिया गया है 13 इंटू 12 फीट 5 इंच का बेडरूम। ये आपका 10 इंटू 12 फीट 5 इंच एक ओपनिंग दिया गया। फिर यहाँ पर एक स्टोर रूम, किचन, किचन के अंदर जितना भी मटेरियल रहता है ना वहाँ पर स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो उसी के वजह से स्टोर रूम का साइज़ दिया गया यहाँ पर 8 फीट इंटू 8 फीट। एंड इधर किचन का साइज़ 10 फीट इंटू 12 फीट 5 इंच का, इधर ओपन टू स्काई दिया गया है, और यहाँ पर क्लॉथ वॉश वगैरह कुछ कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक बेडरूम है 12 इंटू 12 फीट 5 इंच, एंड यहाँ पर एक टॉयलेट रूम 4 इंटू 8 फीट में बना हुआ है। फिर देखिए इधर सामने 8 फीट 8 इंटू 3 फीट का बना हुआ है, एंड यहाँ पर एक बाथरूम वगैरह हॉल। तो इस तरह का एक बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा प्लान बनाया गया उनके द्वारा, एंड उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया गया था। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपना कीमती समय देखिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे है ना। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा, और आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और हाउस प्लान्स मिलते रहेंगे।